खेल एवं युवा मामलों के मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि कोरोना काल के दौरान संस्थाओं द्वारा लोगों की मदद के लिए किया गया प्रयास सराहनीय है। ऐसी संस्थाओं का मान सम्मान बढ़ाने में सरकार भी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। खेल मंत्री मॉडल टाउन में एंटी करप्शन एंड मीडिया इन्वेस्टिगेशन संस्था की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की शुरुआत खुद से होती है। यदि इंसान अपना काम निकलवाने के चक्कर में भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दे तो इस पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू करवा दी गई है, लेकिन जिम इत्यादि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता क्योंकि जिम में एक्सरसाइज करने से सांस फूलती है और कोरोना सांस से अधिक फैलने वाला वायरस है। खेल मंत्री ने क्षेत्र में चल रहे सड़कों के निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। उन्होंने पिहोवा पटियाला स्टेट हाईवे नंबर 9 का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क पर लगी घटिया सामग्री को देखकर मंत्री नाराज हुए और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क की सैंपलिंग करवाकर रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि यदि निर्माण सामग्री की क्वालिटी सही नहीं पाई गई तो ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करके उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मंत्री ने मौके पर समस्याएं लेकर पहुंचे लोगों की समस्याओं को भी सुना। देखिए, ये बहुत इनिशिएटिव अच्छा है कि वो जितने भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, हमारे स्वीपर्स हैं, छोटे कर्मचारी हैं चाहे बड़े कर्मचारी हैं, सबको उन्होंने सम्मानित किया। और साथ ही में एक मैसेज भी मैंने दिया कि जो करप्शन है वो हम अगर अपने आप को सुधार लेंगे तो शायद हमारी करप्शन बहुत हद तक कम हो जाएगी, तो उसके बारे में मैंने बताया। तो ये एक ऐसा स्टेप था एंटी करप्शन टीम, जो मीडिया की टीम है, उनकी तरफ से कि शहर के जिन जिन संस्थाओं ने, जिन जिन लोगों ने शहर के अंदर कोरोना के टाइम और अभी भी जो सेवा कर रहे हैं उनको उन्होंने सम्मानित किया। सर, जो अभी स्टेडियम खुल चुके हैं सर, और जिम तक कब खुले हैं सर? ये स्टेडियम्स खुले हैं, वो भी उसमें कुछ जो हमने इंस्ट्रक्शंस रखी हुई हैं कि इंडिविजुअल जो हैं वो कुछ खिलाड़ी जो हैं वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपने अपने इंडिविजुअल ट्रेनिंग करेंगे और एक समय में एक ही फील्ड के अंदर 10 से ज्यादा खिलाड़ी नहीं जाएंगे और उसके साथ जो कोच होंगे वो उस लिस्ट की तय करेंगे। और जो टीम गेम्स हैं उसमें 18 खिलाड़ी और उसमें भी जो फिटनेस के ऊपर ज्यादा और इंडिविजुअल स्किल्स के ऊपर ज्यादा दिया जाएगा टीम गेम में। और कोई भी स्टेडियम में कोई भी ऐसा टूर्नामेंट नहीं हो सकता जिसमें कि स्पेक्टेटर्स आ सकें। तो जिम अभी स्टेडियम्स में भी ओपन नहीं किए और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसमें भी जिम का और स्विमिंग पूल का अभी कुछ भी ऐसा नहीं आया कि उसको ओपन किया जाए, क्योंकि उससे काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी स्वेटिंग है, जो उसमें पसीना बोलते हैं, और जो हमारा थूक या उसमें खेलते समय निकलता है, तो उससे डर रहता है कि कहीं दूसरे की बॉडी को या किसी को हार्म ना करे, इसलिए हमने ये अभी शुरू नहीं किया। सर, सड़कों को लेकर आज जो चेकिंग की है उसमें सर क्या करेंगे? सड़कों में काफी कुछ कमियां पाई गई हैं और उसमें अब देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि मैं क्वालिटी देख रहा हूँ, क्वालिटी नॉट अप टू द मार्क। थैंक यू।